सावन के महीने में श्रद्धालु और कांवड़ियों का ऋषिकेश तीर्थ नगरी गंगा घाटों और नीलकंठ महादेव मंदिर पर तांता लगा हुआ है। देश विदेशों से आए कांवड़ियों ने गंगा घाट ऋषिकेश में स्नान कर नीलकंठ महादेव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर अपने गंतव्य की ओर वापस जा रहे हैं। ऋषिकेश और नीलकंठ महादेव मंदिर के पैदल मार्ग पर जगह जगह कांवड़ियों के खाने पीने और आराम करने की व्यवस्था भी बनी हुई है। इस बीच कांवड़ियों से नेटवर्क 10 संवाददाता ने खास बातचीत की है। मास के सावन में कहीं ना कहीं नीलकंठ धाम पर कांवड़िए लगातार पहुंच रहे हैं। मैं इस समय जानकी पुल ऋषिकेश में खड़ा हूं और यहां पर गंगा जी स्नान करके ये लोग अपने अपने नीलकंठ धाम पर जाएंगे। आइए बात करते हैं, कुछ कांवड़िए मेरे साथ हैं, कहां से आए और कितना हर्षोल्लास है इसका कि आज कांवड़ लेके नीलकंठ धाम में जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सागर, हरियाणा से। हरियाणा से कितना जोश है आज आप भोलेनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं? जोश तो पूरा। कितने दिन से हम चल रहे हैं? हमको हो गए 5 दिन हो गए यहाँ पर। कोई दिक्कत परेशानी? क्या नाम है? मेरा नाम सुनील है, मैं रोहिणी से हूँ। मैं शंकर भगवान के दर्शन कर रहा हूँ नीलकंठ से। अब यहाँ से जल भर लिया मैंने और ये मेरे भाई है सारे, हम सारे यात्रा करने जा रहे हैं नीलकंठ महाराज की। फिर इसके बाद हरिद्वार जाएंगे, 3 दिन का दशा होगा, फिर घूमे जाएंगे। हम ये बोल शंकर भगवान की जय। उत्तराखंड में कैसा लग रहा है? उत्तराखंड में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इस बार बहुत अच्छा सुहास, बहुत अच्छा लगता है धाम पे आते। पुलिस की व्यवस्था वगैरह सब बढ़िया है और इस बार भी बहुत अच्छी तरीके व्यवस्था कर रखी है, जो नियुक्ति पिछली बार इस बार है। गंगा जी में पानी कितना है? बहुत ज्यादा पानी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि बस पहली बार जितनी बार आया पहले कभी नहीं देखा, मगर इस बार पानी बहुत ज्यादा है। थैंक यू। जिस तरह से कांवड़िए जो हरियाणा से और देश दुनिया से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पास शिव भगवान जी का जो है भक्त मानते हैं और हर्षोल्लास से जो है यहाँ पर शिव भक्ति की पूजा अर्चना कर कहीं ना कहीं अपने धामों की ओर जाते हैं। मैं विपिन नागी, नेटवर्क 10, ऋषिकेश।